Because of this COVID-19, I am not able to take classes at school as well as at my center. So I am starting here with this new chapter, surface chemistry. Please, I made this temporary arrangement, so please try to cooperate. Surface chemistry. This is lecture 1. So surface chemistry, as the name suggests, surface chemistry means surface phenomena, that is phenomena taking place at the surface only. Clear? Surface phenomena we have already studied in class 11. We have studied surface tension. Clear? Surface tension. वाटर की ले रहे हैं यहाँ पे, इधर जो मॉलिक्यूल अंदर होगा वो हर एक डायरेक्शन से इक्वल फोर्सेस से घिरा हुआ होगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा और इसमें कोई इनवर्ड या आउटवर्ड पुल नहीं होगा. लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होगा उस पे नेट इनवर्ड पुल होगा. और इसी वजह से हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसकी. जितने फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, क्लियर, जितने ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन. वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फोर्सेस स्ट्रांग है, तो इसलिए वाटर के अंदर सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है. अब वाटर में हम कोई ऐसी चीज़ मिक्स करते हैं जो फोर्सेज वाटर के और स्ट्रांग कर दे, लाइक KCl अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो नमक डिजॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, तो फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सॉल्ट का तो सरफेस टेंशन और बढ़ेगा. सिमिलरली अगर हम वाटर के अंदर अल्कोहल मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा वीक होती है वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर इज वीकर एज कम्पेयर टू इन बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल, सो सरफेस टेंशन थोड़ा सा डिक्रीज करेगा. और अगर हम सोप मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, सोप मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, और दूसरा आर पार्ट जो है सोप का वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोफोबिक है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा. और ये फेनोमेना हम यूज करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में. क्लियर होगी बात? ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में. आज जो हमें पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, इट इज एडजॉर्प्शन. क्लियर? एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन मैं जैसे एग्जांपल अगर लेता हूँ उसका, तो एडजॉर्प्शन जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, चौक के ऊपर अगर इंक आएगी, चौक ऑन इंक सरफेस पे रहेगी चौक के, तो इसे हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन. और कॉटन में अगर वाटर आएगा तो पूरे कॉटन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन. Clear? So this is the best example for to differentiate between adsorption and absorption. Now, adsorption. What is adsorption? Definition. Adsorption. A-D-S-O-R-B-T-I-O-N. Adsorption. 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 It is a phenomena of attracting and retaining the molecules only on the surface, so that there is different concentration on the surface than in the bulk. This is adsorption and this is the definition of adsorption. Clear? ऐसा phenomena जिसमें molecules जो हैं surface पे रहेंगे ताकि concentration surface पे different हो than in the bulk, उसे क्या बोलेंगे? Adsorption. इसमें जो substance adsorb होगा उसे adsorbate बोलेंगे, जैसे solute को बोलते हैं ऐसे ही जिस substance पे ये adsorb होगा उसे बोलेंगे adsorbent. Clear? तो adsorbate, adsorbent और adsorption, तीनों definition में बता दी यहाँ पे. Adsorption, phenomena of attracting and retaining the molecules only on the surface so that there is different concentration on the surface than in the bulk. Adsorbate, substance which gets adsorbed is called as adsorbate. Adsorbent, substance on which it is adsorbed is called as adsorbent. जैसे चौक और इंक की एग्जाम्पल ली थी वैसे ही हम और एग्जाम्पल देंगे. जैसे अगर मैं वाटर वेपर्स लूँ सिलिका जेल के ऊपर, से इट इज सिलिका जेल, इसके ऊपर अगर वाटर वेपर्स आएंगे तो ये एड्जॉर्ब हो रहे हैं सरफेस पे. ये सिलिका जेल है, इस पे सिलिका जेल जो कि एक पोलर एड्जॉर्बेंट है, सिलिका जेल, इस पे वाटर वेपर्स एड्जॉर्ब हो रहे हैं. लेकिन अगर हम एनहाइड्रस CaCl2 लेंगे, एनहाइड्रस CaCl2, तो इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वाटर वेपर्स सरफेस पे भी होंगे एज वेल एज
inside the silica gel. Clear? So this is absorption. Water vapors on anhydrous CaCl2 is absorption, and this is adsorption. Water vapors on silica gel is adsorption. So this is the difference. Water vapors here are adsorbate and silica gel here is adsorbent. Clear? So now sorption. Next term is sorption. Sorption, when there is difference between adsorption and absorption. Adsorption, absorption mein difference aa raha hai, to hum term use kar dete hain sorption. Sorption means when adsorption and absorption, they both take place simultaneously. Adsorption और absorption दोनों एक साथ होंगे तो हम बोलेंगे sorption. So sorption का example, best example इसका है dyes on cotton fiber. Dyes जो हैं वो cotton fibers के ऊपर adsorb भी होती हैं और absorb भी होती हैं. Dyes on cotton fibers are adsorbed as well as absorbed. Clear? Now next term is desorption. DE, desorption. Desorption ये term कब use करते हैं chemistry में? Desorption जब, जैसे dehydration बोलते हैं, means removal of water, removal of water. Decarboxylation use करते हैं, means removal of CO2, removal of CO2. ऐसे ही अगर हम use करते हैं dehydrogenation, removal of H2. ऐसे ही अगर हम use करते हैं dehydrogenation, removal of HX. Similarly अगर मैं term use कर रहा हूँ desorption, desorption इसका मतलब desorption means removal of the adsorbed substance. जो substance adsorb हुआ है उसको remove करना, और वो हम कैसे कर सकते हैं? By evaporation और by हीटिंग. इस तरीके से हम desorption कर सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज desorption, रिमूवल ऑफ द adsorbed सब्सटेंस. नेक्स्ट टर्म इज occlusion. नेक्स्ट टर्म इज occlusion. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. जैसे अगर हम हाइड्रोजन को adsorb करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल्स, गैसेज adsorbed ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एज occlusion, एंड दिस इज यूज इन Sabatier सेंड्रेंस रिडक्शन. गैसेज adsorbed ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल्स लाइक H2 इज adsorbed ऑन द सर्फेस ऑफ निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम. दिस इज कॉल्ड एज occlusion. क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज occlusion. सो दिस इज desorption. क्लियर? नाउ हीट ऑफ adsorption. नाउ वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीट ऑफ adsorption. हीट ऑफ adsorption, कोई भी सब्सटेंस जब एड्सॉर्ब होगा एड्सॉर्बेंट के ऊपर, तो हीट क्या होगी? रिलीज होगी. हीट क्या होगी? रिलीज होगी. तो इसी को डिफाइन करते हैं हम, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ गैस इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ एड्सॉर्बेंट. Amount of heat released when one mole of gas is adsorbed on the surface of adsorbent is called as heat of adsorption. Heat of adsorption. Therefore, adsorption is an exothermic process. Clear? ये हमें proof करना है. Adsorption is endothermic. Exothermic process. Adsorption. Adsorption is exothermic. ये प्रूव करने के लिए एक सिंपल तरीका, बिल्कुल थ्योरेटिकल मेथड. एडसॉर्प्शन, सिंस फेनोमेना इज टेकिंग प्लेस, सिंस गैसेस दे आर एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, सो अट्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस. अट्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, एंड इन अट्रैक्शन सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. सरफेस एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी. सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस. सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस दैट मींस एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज, देयरफॉर एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्लियर? In adsorption, attraction is taking place, and in attraction, surface energy decreases. Attraction, surface energy is decreasing, so adsorption is exothermic process. Now, mathematical way to prove this, that adsorption is exothermic. ये important है, इसको ध्यान देंगे. Mathematical terms के through हम explain करेंगे. Adsorption, since phenomena is taking place, clear? Since phenomena is taking place, so delta G is negative, clear? Delta G is negative. प्रोसेस हो रहा है, एडसॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, इससे डेल्टा जी नेगेटिव होगा. डेल्टा जी नेगेटिव है, हमें प्रूव करना है डेल्टा एच को नेगेटिव. डेल्टा जी नेगेटिव है, हमें डेल्टा एच को नेगेटिव प्रूव करना है. गैस एड्सॉर्ब हो रही है सॉलिड के ऊपर, जब गैस सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब होगी तो रेंडमनेस डिक्रीज होगी. रेंडमनेस डिक्रीज होगा, इसीलिए टी डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगा. क्लियर? टी डेल्टा एच इज नेगेटिव. नाउ फॉर दिस डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, एंड ऑल्सो इट शुड बी ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड एज कम्पेयर टू टी डेल्टा एस. एग्जाम्पल अगर ले, मान लो मैंने डेल्टा जी को ले लिया माइनस से 10, डेल्टा जी है माइनस 10 और डेल्टा टी डेल्टा एस है से माइनस 20. नाउ फॉर दिस टू बी माइनस 10, नाउ फॉर दिस टू बी माइनस 10, डेल्टा एच मस्ट बी माइनस 30. तो ये प्रूव हो गया कि डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, एंड शुड ऑल्सो बी इन ग्रेटर, शुड बी ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड एज कम्पेयर टू टी डेल्टा एस.
तो ये इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एडजॉर्प्शन जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी इज टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस, एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, इससे डेल्टा जी नेगेटिव होगा। टी डेल्टा एस क्योंकि गैस एड्जॉर्ब होगी सरफेस के ऊपर तो उसकी मूवमेंट कम होगी, तो टी डेल्टा एस नेगेटिव। नाउ फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव एंड शुड बी ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड एज कम्पेयर टू डेल्टा एच। सो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम विल प्रोसीड फर्दर, रिवाइज टिल दिस, दैट इज एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक। थैंक्स।